इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलुरु सदाशिवनगर में शिवाजी महाराज के पुतले की तोहिन को लेकर मामला संजीदा बनता जा रहा है। कन्नड़ और मराठी तंजीमों की जानिब से बयानबाजी जारी है। कल रात में पथराव और पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश करने के जुर्म में 27 अफराधों को हिरासत में लिया गया। DCP विक्रम आमटे ने कुल 4 मामले दर्ज होने की बात कही। कैंप मार्केट, तिलकवाड़ी और खड़े बाजार पुलिस थानों में मामलों को दर्ज किया गया। शिवाजी महाराज के पुतले पर काला लगाने की वीडियो वायरल होने के बाद बेलगाम शहर के बोगारवेस चौरस्ते पर संभाजी महाराज की मूर्ति के सामने रात में सैकड़ों लोगों ने एहतजाज कर अपने गुस्से का इजहार किया। पुलिस की जानिब से हल्की लाठी चार्ज भी की गई। एक और इत्तला के मुताबिक कल रात कुछ शरपसंदों ने अनगोल में संगोली रायना के पुतले की तौहीन की हुई है, जिसे लेकर आज पूरे शहर में तनाव का माहौल रहा। कन्नड़ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने दफा 144 के चलते इजाजत नहीं दी। MES काई, शुभम शेड़के और रामसेना के रमाकांत कुंडुस्कर समेत कईयों को 14 दिन के लिए हवालात भेजा गया। कन्नड़ और मराठी का बढ़ता तनाजा शहर के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है, लिहाजा जिसने भी शिवाजी महाराज और संगोली रायना के पुतलों की तौहीन की है, इन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा आज कई बड़े लीडरों की जानिब से किया गया। शहर में रात को जिन लोगों ने पथराव और पुलिस की गाड़ियों को जलाने की कोशिश की है, इनकी तलाश अभी भी जारी है, जिन्हें CCTV फुटेज में भी देखा जा रहा है और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। वजीर आला बसवराज बोम्मई, DK शिवकुमार, सिद्धरामैया, सतीश जारकवाड़ी, अनिल बेन के, अभय पाटिल समेत कई भाजपा और कांग्रेस के तकरीबन बड़े लीडरों ने कल के तशद्दुद की मजम्मत की है और मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। अब ये तनाजा रियासतों की सरहदों को पार कर आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सांगली में शिवसेना कारकुनों की जानिब से कन्नड़ लोगों पर हमला किया गया, जिसमें 6 अफराद जख्मी होने की बात कही जा रही है और कर्नाटक की कार पर भी हमला करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आज महाराष्ट्र के कई लीडरों ने कन्नड़ तंजीमों और कर्नाटक की हुकूमतों पर निशाना साधते हुए जिसमें सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए मजम्मत की। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने शिवाजी महाराज की तौहीन को पूरे मुल्क की अजमत पर हमला करार दिया। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस के बुजुर्ग कायद नवाब मलिक ने इसे भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा ही इस तरह के हरकत को अंजाम देता है, धर्म जात पात भाषा में तफरका भाजपा की जानिब से ही किया जाता है, ऐसा इल्जाम भी इन्होंने लगाया। MES के कायदों ने महज एहतजाज करने पर गिरफ्तार क्यों किया गया, जबकि शिवाजी महाराज की तौहीन करने वाला अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं, ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। भाजपा और MES के लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव करने की भी बात कही जा रही है। वादा रहे कि भाजपा लीडरों ने भी शिवाजी गार्डन यानी कि शाहपुर के शिवाजी गार्डन में जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति को मालार्पण करने पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन शिवसेना और MES के लोगों को गिरफ्तार किया गया। आखिर दोहरा रवैया क्यों, ऐसा सवाल भी सोशल मीडिया के जरिए आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सिलसिलेवार बेलगाम में बढ़ते तनाजे को भी समझने की जरूरत है। मनगुत्ती में शिवाजी महाराज के पुतले को लेकर इसी तरह तनाजा खड़ा किया गया था। फिर पीरवाड़ी में संगोली रायन्ना के पुतले को रातों रात खड़ा किया गया। बेलगाम कारपोरेशन के सामने कन्नड़ परचम के मुकाबले में भगवा परचम भी लगाने की कोशिश की गई, जबकि कन्नड़ परचम को कारपोरेशन के सामने से हटाने की बारहा मुतालबात मराठी तंजीमों की जानिब से की गई। पिछले कुछ अरसे से इस तरह की वारदातों में इजाफा होता ही जा रहा है, इससे इतना तो जरूर लग रहा है कि कहीं तो सियासी पस मंजर इसके पीछे जरूर है। अब इन तमाम मामलों में भाजपा के लीडरों को क्या करे कि ना करे, जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, कन्नड़ तंजीमों और आवाम की जानिब से रियासती हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते हुए आखिर MES और शिवसेना पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए इन्हें क्यों रोका नहीं जाता। भाजपा हुकूमत बुजदिल है जो कार्रवाई करने से डरती है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मराठी आवाम में भी भाजपा के रवैये पर सवाल पूछे जा रहे हैं। शिवाजी महाराज की तौहीन के मद्देनजर MLA अपने इस्तीफा क्यों नहीं सौंपते, एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ की नौबत भाजपा वालों पर आई नजर आ रही है। जाहिर है पिछले चुनाव में भाजपा ने मराठी वोट लेने में कामयाबी हासिल की थी, पर अब कन्नड़ मराठी तनाजा भी भाजपा को महंगा पड़ सकता है। वही हिंदुत्ववादी तंजीमें भी भाजपा से नाराज नजर आ रही है। इसी तरह अब UP चुनाव में भी भाजपा शिकस्त की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक UP में भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है, तो अखिलेश की साइकिल सर पर दौड़ सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर कर्नाटक में भाजपा दोहराए पर नजर आ रही है। वैसे अपना पसंदीदा मशगला
हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश में भाजपा नाकाम होती नजर आ रही। आवाम में इस बात की बेदारी बढ़ती जा रही है धर्म भाषा मजहब के नाम पर। आपस में लड़ाकर भाजपा सिर्फ इख्तदार हासिल करना चाहती है। बेलगाम में मराठी वोटरों का खिसकना तय माना जा रहा है। जो भी हो लेकिन सियासी मुफाद के लिए धर्म भाषा का इस्तेमाल यकीनन शर्मनाक कह सकते हैं। शिवाजी महाराज पर कालिक पोंतने वालों की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है और वो शख्स सियासी पैतरेबाजी का नकाब फाड़ सकता है, क्योंकि यहाँ अधिवेशन के वक्त इस तरह के काम को अंजाम देना शक के दायरे में जरूर आता है और जाहिर है इसमें बड़े लीडरों का ही हाथ हो सकता है। किसी के कहने पर इस काम को अंजाम देने का शक बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आवाम को भी समझने की जरूरत है कि जज्बात में आकर अमन को खराब करने का यानी कि जज्बात में आकर अमन को खराब करे और यही मकसद ही शरपसंदों का रहता है। और सबसे अहम किरदार इंतजामिया का होता है। जब जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता खुफिया एजेंसियां हैं तो अब तक मुजरिम पकड़ा क्यों नहीं जाता? हुकूमतों के जेर मातहत काम करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें, क्योंकि हुकूमतें तो आती जाती रहती है। आज भाजपा है, हो सकता है कल कांग्रेस आ जाए या कोई और पार्टी आ जाए। लिहाजा अपनी जिम्मेदारियों को इंसाफ के साथ अंजाम दें। बेलगाम शहर में आवाम तनाव के माहौल में है। पुलिस इंतजामिया भी अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रही है। जरूरत है माशरे में छिपे शरपसंदों को तलाशने की जो मीडिया के सामने आकर मासूम बनकर बयान भी देते रहते हैं, लेकिन इन्हीं में से कोई रहता है जो तशद्दुद के आड़ में अपना मुफाद हासिल करना चाहता है। कोई कुर्सी हासिल करने के लिए लड़ाता है तो कोई कुर्सी बचाने के लिए लड़ाता है। आवाम को समझने की जरूरत है। आइए आज के कुछ मंजर देखते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह Never. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. ಸಿದ್ದರಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಂಡಗಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟು
ನಾಲ್ಕು FIR ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಿಳಕವಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಡೆ ಬಜಾರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 4 FIR ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈಗ 27 ಜನಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅದೇ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8 ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 144 ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 4 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗುಂಪು ಸೇರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 112 ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 144 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ 144 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡುವ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯವರಿರಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಅಹವಾಲು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.